हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली बार मैंने आपको बहुत सारा होमवर्क दिया था, मीन्स हमने जो एक्सरसाइज 3.1 की थी उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे, उसका मैंने आपको क्वेश्चन जो बाकी के सॉल्यूशन थे वो सब मैंने आपको होमवर्क में दिए थे और आपने आई होप उनको अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में किया भी होगा। तो हमने जो पिछली बार क्लासेस में ओनली 2 मल्टीप्लायर्स किए थे और बाकी के जो मल्टीप्लाइज हैं वो आप सभी बच्चों ने अपने नोटबुक में, मैंने आपको 2 सॉल्व करके बताए थे, बाकी के आपने अपने नोटबुक में किए थे। वैसे ही आज का जो क्वेश्चन है उसका जो मैं बच्चों एक करके बताऊंगी, क्योंकि ये 5 ही है तो 1 मैं करूंगी मल्टीप्लायर और बाकी के जो 4 मल्टीप्लाइज हैं वो आपको करने हैं, ताकि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपको मल्टीप्लाई में कहीं भी अटको नहीं। तो ये फर्स्ट जो मल्टीप्लाई है वो मैं करने के आपको बता रही हूँ। तो ये है हमारा वो मल्टीप्लायर। तो इसको बच्चों हम कैसे करेंगे देखो, आप सभी यहाँ से हम शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम 4 की टेबल बोलेंगे, 4 1 4, 4 2 8। तो हमने यहाँ लिखा 8, आपको भी बच्चों इसी लैंग्वेज में लिखना है 8। अब देखो 4 की टेबल हम 6 टाइम बोलेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और टेबल ऊपर लगाएंगे 2, जो हमारा ऊपर हम लगाएंगे 2 कैरी में। फिर हम 4 की टेबल बोलेंगे 5 टाइम, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 20 और 2, 22। तो ये हमने लिखा 22। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। अब हम बोलेंगे 8 की टेबल 2 टाइम, 8 1 8, 8 2 16, तो 16 का 6 नीचे 1 ऊपर कैरी में। फिर 8 की टेबल हम 6 टाइम बोलेंगे, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 48, 48 and 1 49। तो ये हमने लिखा 44। वापस अगेन 2 मल्टीप्लाई बनाएंगे अब हम यहाँ पे। अब हम बोलेंगे 3 की टेबल, 3 1 3, 3 2 6, ये हमने लिखा 6। अब हम 3 की टेबल बोलेंगे 6 टाइम, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। 18 का 8 हम नीचे लिखेंगे और कैरी का 1 नेक्स्ट ऊपर लिखेंगे। और फिर हम बोलेंगे 3 की टेबल 5 टाइम, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 15 and 1 16, तो ये हमने लिखा 16। फिर हम करेंगे बच्चों इन सबको ऐड। तो ऐड करेंगे तो सबसे पहले 8, फिर देखो 4 और 6, 4 और 6, 10, 10 का 0 नीचे, कैरी का 1 ऊपर। अब देखो बच्चों ये है 6, ये है 9, 6 और 9, 15, 15 और 2, 16, 17, 17 और कैरी का 1, 18। तो ये हमने लिखा 8, वापस लगाएंगे कैरी का 1। फिर देखो 4 और 2, 6, 6 and 1, 7, 7 और 8 कितने होते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे कैरी का 1 ऊपर। फिर देखो 6 और 4, 10 and 1, 11, ये हमने 11 कैरी का 1, 1 और 1, 2। तो बच्चों ये हमारा हो गया। वैसे ही आपको बाकी के 4 करने हैं। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। टेक केयर स्टूडेंट्स।